प्रश्न संख्या चार दे रखी है, संलग्न पाई चार्ट। हमारे पास एक पाई चार्ट पहले से बना हुआ था, हमें पाई चार्ट नहीं बनाने, पाई चार्ट से अंक ज्ञात करने। हमारे पास हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक और विज्ञान पांच विषयों के अंक दे रखे हैं। अब यदि उस विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक 540 है, कुल जो है ना वो 540 है, हमें बोला गया है कि हिंदी में कितने मिलेंगे, गणित में कितने मिलेंगे, लिखा हो ना हिंदी गणित में कितने मिलेंगे, सामाजिक कितने मिलेंगे, सारे अंक ज्ञात कर लो पहले, फिर इन क्वेश्चनों के आंसर देंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले लिखेंगे सब्जेक्ट के नाम, जैसे यहाँ पर अंग्रेजी हिंदी ऐसे लिखेंगे। सबसे पहले आएगा भी आपके अंग्रेजी, कोई भी ले सकते हो अपनी मर्जी है, गणित भी ले सकते हो। अंग्रेजी के बाद ले लिया है मैंने हिंदी, हिंदी के बाद है विज्ञान, विज्ञान के बाद है सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, फिर है गणित, हमें यहां पर लेना है गणित। कौन भी दे रखे हैं, सबसे पहले है 55 डिग्री, फिर है 70 डिग्री, फिर है 80 डिग्री, फिर है 65 डिग्री, फिर है 90 डिग्री, और इनकी जो जोड़ होती है पूरा ना कंप्लीट 360 डिग्री होता है, हमें यहाँ पर लेना है 360 डिग्री। अब हमारे पास जो कुल अंक है, कुल अंक है वो है 540 अंक है, हमें इसको इस पर ले जाना है, जैसे हम पहले करते थे ना वैसे ही करना है। जैसे हम यहाँ पर मान लो पहले वाले क्वेश्चन ही है, तो यहाँ से हमें यहाँ ले जाना था, पहले इसका हिस्सा निकालते थे फिर इससे गुणा करते थे, वही चीज़ हमें क्या करना है, अब इसमें इसका भाग देकर इससे गुणा करना है, तब हमें क्या मिलेंगे, सारे अंक मिल जाएंगे। हम क्या करते हैं, ऐसे ही करेंगे, पहले इनका हिस्सा लेंगे जो है 55/360 इंटू 14, पहले हिस्सा निकाल दो फिर इससे गुणा करके अंक निकाल दो, ये आएगा 540। अब ये और ये लेते हैं, 70/360 × 540, फिर ये और ये लेते हैं 80/360 × 540, फिर हम लेंगे 65/360 × 540, ऐसे यहां पर लेंगे 90/360 × 540। अब हमें वो काट छाट करना आना चाहिए, गुणा भाग वगैरह करना आना चाहिए, कैसे करेंगे, देखो सिंपल सा ध्यान देना है, हम क्या करते हैं कि गुणा भाग करो, देखो कटे जो काट दो, देखो जीरो से जीरो कट गया, अगर जिसका भाग मैं यहाँ देता हूँ ना ये जाता है 1.5 टाइम, भाग देकर देख लेना, जिसका भाग जाएगा एक बार पॉइंट बच गया, 18 बचेगा जाएगा पांच बार। अब इस 1.5 को इन सबसे गुणा करना है, 1.5 × 55 करना है, कितना होता है 55 का था 27, जोड़ेंगे अंदर ये होता है आपके 82.5। अब यहाँ पर भी ऐसा ही है, मैं इसको ऐसे काटूंगा, यहाँ आएगा 1.5, इसको इससे गुणा कर लो, 15 × 7 होता है 105, फिर 80 × 1.5 करेंगे, 15 × 8 = 120, सेम करना है, 1.5 को इससे गुणा करेंगे तो ये आएगा आपके 97.5, फिर इसी नंबर को इससे गुणा करेंगे तो आएगा आपके 120, ऐसे हमें अंक यहाँ पर ज्ञात करने, काट छाट करनी है आपको, इनको काट कर उत्तर निकालना है, अब आपके ऊपर डिपेंड है कैसे आप काटते हो। अब हमें क्वेश्चनों का आंसर देने, नंबर वन पहला आंसर, 105 किस विषय में आए, 105 किस विषय में आए आपके, हिंदी में आए, हमें लिखना है हिंदी के अंदर आया है 105। अब है दूसरा क्वेश्चन का आंसर, इसमें बोला गया है उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अंक अधिक अर्जित किए, तो देखो भाई एक तो है गणित के नंबर और एक है हिंदी के नंबर, इन दोनों में कितना अंतर है, गणित के अंक जो है
वो यहां पर लिखे हुए हैं 120 नंबर, हिंदी के हैं 105 नंबर। तो 120 यहां पर गुणा गलत किया, उसको इससे गुणा करेंगे 15 नंबर 135 आता है 135। यहां पर भी कितना आएगा आपके 135 माइनस, हम क्या करने वाले हैं इसको घटा देंगे 105। कौन नहीं है, अंक ही है, 105 है और 135 घटाओ कितना अंक है, 30 अंकों का फर्क है। यहां पर सही कर लेना 135। अब तीसरा पॉइंट हमें ज्ञात करना है कि सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग, ये बोला है। एक तो सामाजिक प्लस गणित, इन दोनों के कुल अंक कितने हैं। सामाजिक के अंक है 97.5 और गणित के अंक है 135, दोनों को जोड़ेंगे ये आएगा 232.5 अंक। और अगर मैं यहां पर विज्ञान और हिंदी को जोड़ू, विज्ञान और हिंदी इनको अगर हम जोड़ते हैं तो आपके अंक आते हैं, विज्ञान हिंदी कहां पर है, ये रहा 105 और 120, ये होता है आपके 225 अंक। सामाजिक गणित में अधिक है, आप लिख सकते हैं सामाजिक गणित में अधिक है, सामाजिक व गणित में अधिक अंक है, अधिक अंक मिले इससे गणित और विज्ञान से।